ये अच्छी वाली मिठाई और महंगी वाली राखी उस पुलिस वाले भैया के लिए, ये बेसन के लड्डू और 10 रुपए वाली राखी उस बेरोजगार भाई के लिए। अरे भाई आ गया तू, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ बहन, आता क्यों नहीं, आज रक्षाबंधन जो है। चल भाई अंदर बैठते हैं। भाई मुझे पता है तू डाइट पे रहता है, इसलिए फल फ्रूट की व्यवस्था की है। लिखा। और भाई कैसा है? अच्छा हूँ। सुनिए जी, मेरा छोटा वाला भाई आ गया, बेरोजगार कहीं का, फाटक खोल दीजिए। हाँ ठीक है। प्रणाम जी अजी। अरे खुश रहो, आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। नमस्ते दी, कैसे हो आप? हो गया, ठीक ही हूँ। हो गया, आप लोग बैठिए, मैं भी अपनी बहन के यहाँ से राखी बंधवा के आता हूँ। ये ले, नाश्ता कर ले। अरे छोटे, अगर तेरी पढ़ाई लिखाई हो गई हो तो बता, अपने दोस्त से बात करके ड्राइवर की जॉब लगवा दूंगा, कम से कम उसमें सैलरी तो मिलेगी। कब तक ऐसे बैठ के पढ़ाई करता रहेगा? अरे नहीं भैया, अभी तो मेरे को एक साल और पढ़ाई करनी है, उसके बाद देखता हूँ, शायद मेरी भी गवर्नमेंट में जॉब नौकरी लग जाए। तो उससे तो बात ही करना बेकार है। ये देख सोने के कंगन 2.5 लाख के हैं, 4 तोले। और मुझे ये तो कन्फर्म यकीन है कि तू इस बार भी कुछ नहीं लाया होगा। क्यों? बेरोजगार कहीं का। क्या भैया, छोड़िए आप भी, जूस लीजिए, आपके लिए स्पेशल जूस मंगाई हूँ। थैंक यू बहन। ये ले, तू भी पी ले जल्दी से पानी, तेरे लिए फेवरेट मिठाई तेरी मंगाई हूँ। ये ले खा, जल्दी से मेरा गिफ्ट ला। ये देख सोने के कंगन पूरे 4 तोले के हैं। अरे वाह भैया, तू ही तो मेरा सच्चा भैया है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ना मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। हाँ ठीक, लाते तेरी भी कलाई, तुझे भी राखी बांध दूं। दीदी मेरे पास अभी देने के लिए तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है, सिर्फ अभी आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। ये लो कुछ पैसे। और दीदी कभी भी तुमको जरूरत पड़े तो इस भाई को जरूर याद करना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है दी, मैं चलता हूँ। प्रियंका, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई नहीं आया। हाँ हिमांशु भाई ना, सही कहा तुमने। क्यों, तुम कुणाल का नाम कभी क्यों नहीं लेती हो? क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, निठल्ला साला, बेरोजगार है। तुम गलत हो प्रियंका, रुको आज तुम्हारे भाइयों के साथ एक गेम खेलते हैं। तुम ऐसा करो, अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। ये लो फोन स्विच ऑफ कर दिया, पर कैसा गेम? अरे रुको तो सही, अभी पता चल जाएगा। चीजा जी का फोन। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। अरे वो तुम्हारी बहन प्रिया ना बहुत बीमार हो गई है, उसको खून की बहुत जरूरत है, डॉक्टर ने खून चढ़ाने के लिए बोला है, क्या तुम आकर के अपना खून दे सकते हो? खून? जी नहीं, मैं अपना खून नहीं दे सकता, खून की कीमत आप क्या जानो। आप एक काम करिए, मैं आपको पैसे भेज देता हूँ, आप खून जाके ब्लड बैंक से खरीद लीजिए, पर मैं अपना खून आपको नहीं दे सकता। हो गया, देखता हूँ कहीं से अरेंज करता हूँ, नहीं होगा तो फिर बताता हूँ। ठीक है। अब तुम्हारे गरीब भाई कुणाल की बारी। जीजा जी का फोन। हाँ जी अजी बोलिए। तुम्हारी बहन को खून की जरूरत है, डॉक्टर ने इमरजेंसी में तुरंत खून चढ़ाने को बोला है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? दी बीमार है और उसे खून की जरूरत है। मैं अपने शरीर का एक एक बूंद खून उसे दे दूंगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर कुछ उसे हो गया तो लालत है मेरे भाई होने पर। क्या तुम आ सकते हो? जी आप जल्दी बताइए कहाँ आना है। कहीं नहीं, हो गया घर आओ फिर बताता हूँ। जी जी जी, पहुँचा मैं अभी। आपने सही बोला था। मैं तो कब से समझा रहा था तुम्हें कि रिश्तों को कभी पैसों से नहीं तोलना चाहिए, राखी भाई बहन का त्यौहार है ना कि पैसों का, और आजकल लोग पैसों से लोगों को ज़्यादा जज करने लग गए हैं। अगर ज़्यादा पैसे दे तो ज़्यादा इज्जत, और ना दे तो कम। पता नहीं तुमको ये बात कब समझ में आएगी।